A very warm good morning, everyone. How are you? I am Ruchi Gupta, your EVS teacher. बेटा लास्ट टाइम हमने EVS का टेस्ट लिया था, लेसन थर्ड एंड लेसन फोर्थ. कैसा हुआ आप लोगों का एग्ज़ाम? मैम ने जो टेस्ट पेपर बनाया था कैसा था? इजी था ना? और आप लोगों ने किया सबने? और कितने बच्चों ने उसे चेक किया? मैम ने उसकी आंसर शीट भी आपको सेंड की थी. आप लोगों में से कितने बच्चों ने उसको चेक किया था? बेटा उसको ध्यान से चेक करना है, और चेक करके जो आपकी मिस्टेक्स आती है उसे 5-5 times राइट करके लर्न करना है. क्लियर? इससे हमारे चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. अब हम लेसन थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम न्यू चैप्टर रीड करेंगे, लेसन फिफ्थ. और लेसन का नेम है प्लांट्स. व्हाट्स इट नेम? प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे. प्लांट्स आर फिक्स्ड इन वन प्लेस. प्लांट्स एक जगह फिक्स होते हैं. ऐसा तो नहीं होता कि हम प्लांट को ग्रो यहाँ पर करते हैं. मान लीजिए आपने प्लांट स्कूल में ग्रो किया और वो प्लांट चल के आपके घर पहुँच गया, ऐसा तो नहीं होता ना? कहाँ होता है? अपने जहाँ उसको ग्रो किया है वो वहीं पर रहेगा. उसकी एक फिक्स प्लेस होती है. दे मेक देयर ओन फूड एंड आर यूजफुल टू अस. वो अपना खाना खुद बनाता है और बहुत ही काम वाला होता है, हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है. दे गिव अस मैनी थिंग्स लाइक फूड एंड क्लोथिंग. वो हमें बहुत सारी चीज़ें देता है. प्लांट्स से हमें फूड मिलता है, क्लोथ्स मिलते हैं. आप कहेंगे मैम फूड कैसे मिलता है, प्लांट्स हमें फूड कैसे देता है? आप जितनी भी वीट, राइस, ग्रेन्स, दाल ये सब चीज़ लेते हैं, ये कहाँ से मिलती हैं? प्लांट्स से. ये ग्रो करती हैं प्लांट में. वेजिटेबल्स कहाँ से मिलती हैं? ये प्लांट्स से मिलती हैं. फ्रूट्स ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं. और जितने भी हमारे मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये भी हमें प्लांट्स से मिलते हैं. ड्राई फ्रूट्स ये भी प्लांट्स से मिलते हैं. तो हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से. दे मेक आवर एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल एंड हेल्प अस टू ब्रीथ. वो हमारा एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट मींस वातावरण. वो हमारा वातावरण सुंदर बनाते हैं एंड हेल्प अस टू ब्रीथ, और हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं. एनवायरनमेंट कैसे सुंदर बनाते हैं? आप देखते हैं हरे भरे पेड़ होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं, तो वो जगह कितनी सुंदर लगती है, कितनी प्यारी लगती है. तो बट नेचुरली वो एनवायरनमेंट सुंदर होगा. ठंडी ठंडी हवा होगी, कूलनेस होगी वहाँ पर. और ब्रीथ, ब्रीथ कैसे करते हैं? ट्री से हमें क्या मिलते हैं, प्लांट से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन. और ह्यूमन को क्या चाहिए होता है, लिविंग थिंग को क्या चाहिए? ऑक्सीजन. तो हम सांस कैसे ले पाते हैं? प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है और वो हमें ब्रीथ लेने में हेल्प करता है. काइंड्स ऑफ प्लांट्स. वेरी बिग टॉल एंड स्मॉल प्लांट्स लाइक नीम, बनियन, गुलमोहर एंड मैंगो आर कॉल्ड ट्रीज. जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, जैसे नीम का पेड़, बनियन का पेड़, गुलमोहर का और मैंगो ट्री, ये क्या कहलाते हैं? ट्रीज. अभी हम लेसन रीड करते हैं और फिर मैम अच्छे से समझाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैम आपको प्लांट्स की पिक्चर दिखा करके भी क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ प्लांट्स, व्हाट इज़ हर्ब्स, व्हाट इज़ शर्ब, व्हाट इज़ क्लाइंबर, व्हाट इज़ क्रीपर, सबका डिफरेंस अच्छे से क्लियर करेंगे हम. दे हैव अ थिक ब्राउन वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक. उनकी थिक, बहुत मोटी सी ब्राउन कलर की वुडी स्टेम होती है, जो कि क्या कहलाती है? ट्रंक. मोस्ट ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स. बहुत सारे ट्रीज ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक जीते हैं. आप लोगों के घर के पास आप लोगों ने देखा है कोई नीम का पेड़, पीपल का पेड़, ये जनरली ट्रीज मिल जाते हैं. इन्हें हम प्लांट्स नहीं बोलते, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रीज. क्यों? आप क्या बताएंगे, क्या डिफरेंस है प्लांट्स में और ट्रीज में, कि किसी को हम प्लांट्स बोल रहे हैं और किसी को हम ट्रीज बोल रहे हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों में?
इन दोनों में डिफरेंस होता है, ट्रीज़ होते हैं बिग और स्ट्रॉन्ग। आपने देखा है नीम का पेड़, पीपल का पेड़ कितने बड़े होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम उन्हें ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं तो वो इजीली हिल नहीं पाते हमसे, है ना, और ना ही वो टूट पाते हैं हम लोगों से, हम उसे तोड़ भी नहीं सकते जल्दी से। और वो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इन्हें हम कहते हैं ट्रीज़। ये क्या होते हैं? ट्रीज़। आप अपने आसपास देखिएगा। नेक्स्ट है स्मॉल बुशी प्लांट्स लाइक बॉगविलिया एंड हिबिकस हैव अ थिन वुडी स्टेम विद मैनी ब्रांचेस ग्रोइंग फ्रॉम द बेस। दे आर कॉल्ड श्रब्स। दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स। अब ये तो जो ट्रीज थे उनकी क्या होती है, देखिए बेटा, स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है, ठीक है, ब्राउन कलर की स्टेम होती है, और वो बहुत ईयर्स तक, मैनी ईयर्स तक लिव करते हैं। अब है स्मॉल बुशी प्लांट्स, ये कैसे प्लांट्स होते हैं? ये प्लांट्स फ्यू ईयर्स, कुछ ईयर के लिए होते हैं। और इन प्लांट्स की जो स्टेम होती है, जो स्टेम होती है वो किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है। इन प्लांट्स की स्टेम ब्राउन कलर की होती है। और ये स्टेम क्या होते हैं? थिन होते हैं और स्मॉलर होते हैं, स्मॉल होते हैं, ये बहुत लंबे नहीं होते, ये स्मॉल होते हैं, ठीक है। अब ये प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? आपने देखा है रोज़ का प्लांट देखा है, तो रोज़ प्लांट क्या है? उसकी स्टेम ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, और उसमें कांटे भी होते हैं, होते हैं ना। तो ये है हमारा श्रब प्लांट। नेक्स्ट है हर्ब्स। स्मॉल प्लांट लाइक मिंट हैव अ थिन वीक स्टेम एंड लिव ओनली फॉर वन सीजन। दे आर कॉल्ड हर्ब्स। और जो प्लांट्स एक सीज़न ही रह पाते हैं और उनकी स्टेम थिन होती है और क्या होता है, वो ग्रीन कलर के होते हैं। उनकी जो स्टेम होती है वो किस कलर की होती है? ग्रीन की। आप देखिएगे इसकी स्टेम, ये इसकी स्टेम है, ये किस कलर की है? ग्रीन कलर की, ठीक है। तो ये क्या है? हर्ब्स प्लांट। ये क्या है? हर्ब्स प्लांट। क्लियर? ये ट्री है, ये देखिए कितना टॉल है, है ना, और कितना स्ट्रॉन्ग है। ये है ट्री एंड ये है, ये क्या है हमारा? श्रब। इसकी ये देखिए, क्लियर? तो ये हमारे होते हैं प्लांट्स। आज मैम ने आपको करवाया है ट्रीज, श्रब एंड हर्ब, ठीक है। अब इसको वर्क को करना है आपको। आप ऊपर डेट मेंशन करेंगे, आपको पता ही है मैम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे। यहाँ डेट मेंशन करा, क्लास वर्क, देन यू राइट लेसन फिफ्थ, फिर आप लिखेंगे प्लांट्स, देन यू राइट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज। प्लांट्स डेट आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्रीज। सेकेंड, दे हैव मैनी ब्रांचेस। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं ट्रीज? मैंगो एंड एप्पल ट्री। ये आप नीम एंड पीपल भी लिख सकते हैं, ये भी राइट कर सकते हैं। अब है हर्ब्स प्लांट। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। दे हैव थिन सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं हर्ब प्लांट्स? मिंट एंड स्पिंच। श्रब्स। अब श्रब्स प्लांट कौन से होते हैं? श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। श्रब क्या होते हैं? ट्री जैसे ही होते हैं प्लांट्स, लेकिन ये उससे बहुत छोटे होते हैं। दे आर बुशी प्लांट्स। ये कांटेदार प्लांट्स होते हैं विथ थिन ब्राउन स्टेम, अपनी ब्राउन स्टेम के साथ में। इनकी जो स्टेम होती है वो भी ट्री की तरह ब्राउन होती है, लेकिन ट्री की स्टेम बहुत मोटी होती है और इसकी स्टेम थिन होती है, पतली सी होती है। एग्जाम्पल रोज़ एंड तुलसी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ये वर्क आपको करना है और इतना मैम ने समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैम आपको प्लांट्स को शो करके अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक्स एवरीबडी।